So hi, this is Megha Chakraborty and I am playing Garima in Cartel Alliance Sons. And we are doing first thing, first experience. Yeah. My first audition. So ये बंगाली में था माय फर्स्ट ऑडिशन. इट वाज फॉर अ लाइक क्राइम पेट्रोल काइंड ऑफ अ बंगाली शो पर एपिसोडिक. एंड मेरी लाइफ में कोई एक्टिंग की कोई कभी भी प्लानिंग नहीं थी, तो जस्ट एक फ्रेंड ने बोला तो मैं चली गई. हाँ ठीक है, देखती ऑडिशन देखे क्या होता है एंड ऑल. मैं बहुत नर्वस थी और मुझे याद है कि मैं काफ़ी क्राउड क्राउड में बैठी हुई थी. एंड जब भी बुला रहे थे तो मैं बाकी लोगों को आगे भेज रही थी कि मैं बाद में जाऊँगी, बिकॉज मेरे से नहीं होगा सो मैं बाद में जाऊँगी वैसा था. एंड ऐसे कर करके मैं लास्ट में गई थी. पर बहुत ही खराब ऑडिशन दिया था, बट लकी थी मैं सिलेक्ट हो गई थी. मे बी मैं लुक में जा रही थी या जो भी रीजन है, बट मैं सिलेक्ट हो गई. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट ऑडिशन लाइफ में, फर्स्ट एवर ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई. तो या ओ फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस, वो तो मैं बचपन से ही डांस कर रही हूँ. सो ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब मैंने फर्स्ट स्टेज पे डांस किया था, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद थी डांस, तो उन्होंने बोला था कि हाँ परफॉर्मेंस करना है. मैंने सोलो परफॉर्म किया था और मैं नर्वसनेस के मारे सिर्फ नीचे देख के डांस कर रही थी. एंड ऐसे 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 तो बहुत ही डांट पड़ी थी मुझे मम्मी से कि इतने मेहनत से तुझे डांस सिखा रही हो और तू ऐसे डांस कर रही है. बट उसके बाद से जो मेरी लाइफ में डांस शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ है. तो आई लव डांस. आई थिंक जब मेरे घर में फर्स्ट कंप्यूटर आया था, बिकॉज उस टाइम कंप्यूटर घर में रहना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे बाप रे कंप्यूटर है, मतलब बहुत ही अमीर हो तुम ऐसा वाला. बट एनीवे मेरे भाई के स्टडीज के लिए लाना पड़ा था, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक सरप्राइज था कि अब मेरे घर में कंप्यूटर है, मेरे दोस्त के घर में नहीं है. तो या आई थिंक यस ओके. हाँ ये तो मुझे हमेशा याद रहेगा. वैसे तो नॉर्मल मैसेजेस ये सब होते रहते, बट एक बार मैं लखनऊ में शूट कर रही थी एंड मुझे उस फैन को पता चल गया कि मैं कहाँ शूट कर रही हूँ, बिकॉज मैं इंस्टा पे स्टोरीज डाल रही थी एंड ऑल. तो उसको पता चल गया एंड वो आया बंदा और मुझे किसी ने बोला, मतलब मेरे यूनिट वाले ने, कि कोई आपसे मिलने आया है, फैन है. हाँ ठीक है. तो मैं गई एंड वो मेरे पैर छू रहा था और बड़ा था मेरे से. आई वाज लाइक प्लीज डोंट डू दिस. तो बोले नहीं नहीं आप मेरे लिए भगवान हो एंड ऑल. वो अभी भी स्टिल मुझे मैसेज करता है इंस्टा पे, यू नो कमेंट करता है. तो वो बहुत ही अजीब था, बट अच्छा भी लगा कि इतना प्यार कर रहे लोग. तो या फर्स्ट फोन मोटोरोला का था मेरा पास. मॉडल नंबर तो याद नहीं है, बट इतना छोटू सा था और तब ब्लैक एंड वाइट फोन होता था. उसमें भी अगर दो तीन, मतलब जब जस्ट कलर फोन आए थे एंड थोड़े बहुत यू नो कलर स्टिकर्स होते थे, तो वो मेरे फोन में था. तो मैं उसी में एक्साइटेड थी कि चलो मेरे पास कलर वाले यू नो स्क्रीन में वो डिस्प्ले आता था. तो या मोटोरोला का कोई तो सेट था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है. और कुछ मेरा नाम से था इतना तो नहीं, बट और कुछ में था तब और कुछ चलता था. सो यार स्टारस्ट्रक आई थिंक मेरे, जैसे मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी की फैन हूँ, तो जब मैं बॉम्बे आई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरा मतलब मेरे पहले शो के लिए, तो मेरे लिए था कि अब तो बॉम्बे आएगा तो शाहरुख खान से मिलना ही पड़ेगा एंड ऑल. तो लेकिन मैं कभी भी उनसे क्राउड में नहीं मिलना चाहती थी, पता नहीं. मैं आज तक कभी भी कहीं पे आया है शाहरुख खान और मैं गए जाके भीड़ में हाय कर रही हूँ, मेरे से वो नहीं, मैं नहीं करना चाहती थी. तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक वो अंधेरी में वो जो आई थिंक वहाँ पे अवार्ड कुछ चल रहा था, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कहीं, तो वहाँ पे और उसके पीछे वाले गेट के सामने मेरी एक सिस्टर रहती थी. तो मेरे बॉम्बे आए दो दिन हुए थे और मैं वहाँ पे गई थी एंड मुझे पता चला कि वहाँ पे अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं और बैक स्टेज दिख रहा था वहाँ से बैल्कनी से दूर से. तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी एंड वाओ एंड शाहरुख खान एंकरिंग कर रहा था, तो मुझे आवाज़ आ रही थी एंड मैं सिर्फ बैल्कनी में ही खड़ी थी. दीदी बोले तो अंदर आ जाए, मैंने कहा नहीं मुझे सुनना है. मैं वहीं पर खड़ी हुई सुन रही हूँ एंड 10:30 हो रहा था, तो दीदी ने बोला कि यहाँ पे तो हमेशा होता रहता है, वो लोग अभी बैक गेट से निकलेंगे. तो मैं भाग के गई नीचे एंड मैं खड़ी हो गई. मैं काफी देर तक खड़ी रही, कोई गाड़ी नहीं आई. मैं फिर ऊपर आ गई, दीदी ने बोला अभी देख दूर से. मैंने कुछ एक बहुत ही चमकती हुई बहुत एक ब्यूटीफुल कार देखी दिखी मुझे एंड मैंने बोला नहीं. तो दीदी ने बोला यही गाड़ी होगी. तो मैं नीचे गई फिर से एंड मैं खड़ी हुई, देखा तीन पुलिस की कार निकली और शाहरुख खान की गाड़ी निकली. क्योंकि अंधेरा था शायद मुझे दिखता नहीं, बट लकीली शाहरुख खान फोन में कुछ कर रहा था, फोन की लाइट से मुझे दिखा एंड यू वोंट बिलीव मैं शिवर कर रही थी. मैं आई वाज शिवरिंग की और शूट मुझे दिख गया शाहरुख खान. तो अभी तक पर्सनली नहीं मिली, बट हाँ अभी मिलना है मुझे. सो सून यस. दीघा
घर वालों के साथ कोलकाता में दीघा बोल के एक जगह है समुंदर सी साइड, तो एकदम जब बचपन थी तो मम्मी पापा के साथ बचपन नर्सरी में तो शायद नहीं, बट स्कूल में काफी सारे ऐसे में हमारी काफी बड़ी ग्रुप थी, बट आई थिंक जो बेस्ट फ्रेंड चीज मुझे फील हुई थी वो एक मेरी स्कूल फ्रेंड है, अभी भी हम लोग कॉन्टेक्ट में है, संपूर्णा। वो क्योंकि हमें मतलब बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और स्कूल में ऐसा था कि वो स्टडीज में बहुत अच्छी नहीं थी और मैं स्टडीज में अच्छी थी, तो टीचर ना हमेशा चाहते थे कि मैं उससे बात ना करूँ, मैं उससे दूर दूर रहूँ, उससे ना मिलूँ। और उसको बनना था एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस बन चुकी है और उसको तब से एक्ट्रेस बनना था और मुझे नहीं बनना था, लेकिन हम लोग कभी किसी ने अलग कोई टीचर अलग नहीं कर पाए, हम लोग हमेशा अभी भी यू नो मिलते हैं एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। फर्स्ट डिश, अगर मैं फर्स्ट बनाने की कोशिश की बात करूं, जो बनाई थी तो ठीक है, जो कोशिश की थी वो है कि मैं बचपन में मेरा अंडा खाने का मन कर रहा था एंड मैं अंडा ऑमलेट या भुर्जी कुछ तो, बट आई गॉट कंफ्यूज कि कढ़ाई में ऑयल डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो पता नहीं क्यों लगा मुझे, थी बेवकूफ मैं कैसे हो सकती हूँ, कि मुझे लगा कि ऑयल नहीं डालते, और मैंने अंडा उस गर्म कढ़ाई में ऐसे ही डाल दिया और वो पूरा ऐसे चिपक गया था कढ़ाई में और मम्मी से डांट पड़ी, तो ये तो एक वियर्ड था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ट्राई था, और अदरवाइज मैंने आई थिंक अंडे का ही कुछ ऑमलेट वॉमलेट बनाया होगा फर्स्ट टाइम। सोलो ट्रिप, मैंने सोलो ट्रिप तो नहीं किया है, बट एक सोलो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का हुआ है, वो ये है कि शूटिंग के लिए मैं लंदन गई थी जब मेरे लास्ट शो के लिए, वहां पे मुझे एक दिन की छुट्टी मिली थी कंप्लीट, जो पूरे यूनिट शूट कर रहे थे और मैं सिर्फ मेरी सिर्फ छुट्टी थी, तो मैं थोड़ी सी क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने इंडिया में ही नहीं किया है कि अकेले कहीं घूमने चले जाओ दो तीन दिन घूम के आओ या का, तो वहाँ पे तो मेरे लिए बहुत था कि लंदन है, यहाँ पे सब कुछ अलग है, कैसे कहाँ से कैसे जाना है कुछ नहीं पता, मैप लेके निकली हूँ तो, बट मुझे था कि मैं अकेले ही घूमूंगी, एक दिन मुझे मिला है और मैं निकल गई मैप लेके, लोगों से पूछताछ के ऐसे करके बस निकल गई और अकेले घूम रही हूँ रोड पे, वॉक कर रही हूँ, देख रही हूँ, जो भी एक्सपीरियंस करना है कर रही हूँ, इंस्टा स्टोरी डाल रही हूँ, तो वो वन डे जो था मेरे लिए वो मेरे लिए सोलो ट्रिप के बराबर है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी अकेले ऐसे सोलो ट्रिप के लिए कभी अभी तक गई नहीं। मैसेज फॉर माई फैंस, यही बोलूंगी कि ऑलरेडी हमें बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू। अभी अभी मेरा बर्थडे गया, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत विशेस मिले हैं, सो गाइस प्लीज 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 कीप वॉचिंग, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है इस सिचुएशन में हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ शूट कर रहे हैं, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप लोग भी अच्छे से ध्यान रखिए और स्टे सेफ, स्टे मतलब स्ट्रॉन्ग, एंड कीप वॉचिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एंटरटेन यू गाइस।